इधर ओबेदुल्लागंज पुलिस और आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। करीब 400 लीटर जहरीली अवैध कच्ची शराब को जब्त कर लिया गया है। 15,000 लीटर महुआ लहान भी नष्ट किया गया है। बता दें कि एक आरोपी अनिल पंजाबी गिरफ्तार हुआ है, दूसरा आरोपी सुनील पंजाबी मौके से फरार बताया जा रहा है। अवैध शराब की बड़ी खेप खपाने की फिराक में आरोपी थे। चिकलौद के सोथर सोसाइटी गांव से अवैध शराब पकड़ी गई है। तो करीब 400 लीटर जहरीली शराब जब्त की गई है। ओबेदुल्लागंज पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 15,000 लीटर महुआ लहान भी नष्ट किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में यहां अवैध शराब जब्त की गई और बताया जा रहा है कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप खपाने की फिराक में आरोपी थे। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है।